देख रही है। केरला गई है कहीं की? केरला तभी हम आदिवासी हॉल मंगवा रहे। मैं स्कूल से आ चुकी हूँ और आज ये व्लॉग इसलिए नहीं हो पाया था क्योंकि ना कभी लाइट आ रही थी, कभी जा रही थी, कभी आ रही थी, कभी जा रही थी, इसलिए मम्मा ना व्लॉग नहीं कर पाई क्योंकि ना फ़ोन में ना बैटरी भी नहीं थी। हाँ, हम लोग सुबह से व्लॉग करते फिर डैडी रात को जाकर एडिटिंग करते और फिर हम सुबह फ़ोन चार्ज करते हैं, तो फिर मम्मा ने किया नहीं होगा। हाँ, फिर लाइट चली गई, फिर फ़ोन में बैटरी भी नहीं थी। हाँ, इसलिए अब मैं स्कूल से आई हूँ। और मम्मा क्या कर रही हो? गुड मॉर्निंग। हाँ यार, मैं तो देख सुबह से ही लाइट में कुछ चल रहा है ना, तो सर धोया था ऐसे बग रहा है नखरी और लाइट आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है। बच्चे बड़ी मुश्किल से सोए हैं, भाई अभी सोए हैं, थोड़ी देर बाद जब ही उठे रहते हैं। हमारी ना इतना असेंबली है जिसमें ना और कोई क्लास को परफॉर्म नहीं करना, बस हमारी क्लास को लिया है और कोई क्लास नहीं करेगी। हाँ, और कोई सेक्शन भी नहीं करेगा। हाँ देखो, मुझे ना एक सॉन्ग याद करना है, वो ना बच्चों को गाना है, और पता है मेरे को ना उसमें भी लिया है एक्टिंग में। हाँ, तो फिर ना ये सॉन्ग है ये वाला, मैम ने बोर्ड पर लिखा था ना। हाँ, तो फिर ना मैम बोल रही थी कि मैंने बोर्ड पर लिखा है, हाँ पढ़ पढ़ कर जिन जिनको भी सॉन्ग को गाने में इंटरेस्ट है यहाँ पर लाइन बना लो। हाँ, मौसी का कॉल आ रहा है। ये क्या कर रहे हैं? बोली नहीं रही, देख रही है। ये रही केरला गई है कहीं की? केरला तभी हम आदिवासी हॉल मंगवा रहे। मंगवाई रहे हैं कौन सा लगा रही सॉन्ग में? सिर्फ मैं ही नहीं हूँ, हाँ वो भी है, और पता वो ना गांधी जयंती हो रहा है उस सॉन्ग में सिर्फ मैं नहीं हूँ, ग्रेसी भी है, प्रीशा भी है, स्नेहा भी है, अद्विका भी है, हाँ और मैं भी हूँ, और भी बहुत बच्चे हैं लेकिन मुझे उनका, लेकिन मैं उन्हें बता नहीं सकती हूँ, मुझे इतना याद नहीं रहता है, मुझे बस अपने फ्रेंड्स का याद रहता है, और वो भी है यूविका और यामिनी भी है, हाँ और मैं भी हूँ। हाँ, मुझे उस सॉन्ग में ना आना था, मैम ने मुझे ना एक्टिंग में लिया था। हाँ, लेकिन फिर ना मैम ने बोला, मैम ने बोला कि ना जो लोग एक्टिंग में है ना, वैसे मैम ने कोशिश करी है कि सारे ही बच्चे आए। हाँ, लेकिन मैम ने बोला है जो आता है ना, वो जो आता है ना, क्या बोलते हैं, मतलब हम हमारी क्लास को ही परफॉर्म करना है, तो फिर ना क्या है कि ना मैं मुझे ना उस वाली एक्टिंग में नहीं लिया, जो स्केट कंपेयरिंग होता है उस वाले में हमें नहीं लिया। हाँ, मुझे लिया है, मुझे बस ऐसे आना है। हाँ, और भी कोई बच्चे को आना है, हम सबको बैठना है। हाँ, और फिर हमें अपनी लाइन्स बोलनी है। हाँ, और फिर उसके बाद जाना है, तो फिर मैम बोल रही थी हाँ जो भी बच्चा इसमें है वो भी आ सकता है, तो फिर मैम ने हमें खड़ा कर पाया कि जिसको भी सॉन्ग गाने में इंटरेस्ट है ना ये वाला, हाँ वो लोग खड़े हो जाओ और फिर मेरे पास आकर गाओ। तो फिर हम लोगों ने गाया। हाँ, तो फिर ना मैम ने ना मेरा नाम ले लिया, हाँ कि आप भी सिलेक्ट हो, आप भी सिलेक्ट हो। हाँ, और कोई बच्चे को नहीं करा सिलेक्ट। तो फ्रेंड्स, इधर ना दोनों बच्चे उठ चुके हैं, तो फिर ना मम्मा ने बोला है कि ना इनको ना बनाना बाद में खिलाएगी मम्मा। अभी मम्मा ने ना खुद से बनाए हैं वाले फ्रेंच फ्राइज, जो अब फ्रोजन वाले खाते हैं ना वो वाले नहीं, क्योंकि फ्रोजन वाले बच्चे नहीं खा सकते ना, इसलिए मम्मा ने खुद से बनाए हैं, हाँ खुद बनाए हैं। और ये वाले ना बहुत टेस्टी हो रहे हैं, मुझे तो ये वाले टेस्टी हो रहे हैं, इनको भी मैं खिला देती हूँ थोड़ा, और इन मीक को तो बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे हैं, देखो इनको तो बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है, और मैं खा रही हूँ इधर कुरकुरे और इनको खिला रही हूँ, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। मम्मा ने नहीं है, मैं देखती नहीं हूँ ये सब चीज़ें, पर आलू ये कोई बात नहीं, मैं भिंडी के मैं आलू मिक्स डाइट को अच्छा लगता है ना, आलू भिंडी चाहिए होती है ना,
खाली विंडी अच्छी नहीं लगती उनको। सभी मम्मा ने रोटी बना दिया और मम्मा ने सब्जी में बनाई थी भिंडी, लेकिन फ्रेंड मैं भिंडी नहीं खा रही हूँ। मैं देखो ये क्या खा रही हूँ, ये ना पिज्जा सॉस है और रोटी है। हाँ आई लव पिज्जा सॉस। अभी खिलाऊंगी तुम लोगों को। थोड़ा थोड़ा कौन कौन ऐसे खाता है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। गाइस ये देखिए मेरे घर का हाल, यहाँ पे ये मैडम लगी हुई है फोन में, बड़ी हुई है फोन में, बढ़ गई है, और ये टीवी में बढ़ गए हैं, आधे अधूरे टीवी में, आधे अधूरे टीवी में कितने खो रखे मेरे बच्चे। तो हो चुकी है रात और अभी निष्ठा के डैडी लेट आएंगे, है ना। हाँ जी, ये देखो गाइस अभी उधर चला गया, अभी तक पता है क्या कर रहा था, ये कर रहा था, ये देखा कितना छोटा हुआ करता था ये निष्ठा है, ये और देखो कैसे कर दिया इन्होंने, पहले तो बहुत ही छोटा था। हाँ, एंड ऑल क्रेडिट गोज टू मिहिक एंड मीका, है ना। देखो 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 ये देखो ये देखो ये देखो कितना उठा रही है ये, नहीं खुल रहा, खुल गया खुल गया, लो खुल गया, ये भी डाल दो इसके अंदर, आप इसे फेंको इधर दो मेरे को, ये आपने जमा कर रखा है कूड़ा, फेंको जल्दी इसके अंदर। और हाँ गाइस कैसे हो आप सब, आई होप आप लोग सब ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने घरों में होंगे, मस्त होंगे। और अभी हम लोग इस रूम में, फोन गिर रहा है हाथ से, पता नहीं क्या बार बार। और ना कल ना हम आपको बताना भूल गए, कल मतलब मैं आपको बताना भूल गया, हमारे यहाँ पे पार्सल आया, निष्ठा का फोन आया मेरे पास कल के किसी, आपने बर्गर मंगाया, मैं लग नहीं तो, हाँ कह रही कि यहाँ पे बाहर पार्सल पड़ा है हमारे शूट रैक के ऊपर, किसी ने पार्सल रख दिया है उसके ऊपर, है बर्गर के नीचे पार्सल है, वो बर्गर से उसके अंदर, मैं बोला ऐसे किसने भेज दिया। मैंने आपसे पहले तो बोला आप कहाँ है पार्सल, हो तो कह रहे हैं हमने अंदर रख लिया है, ठीक है। तो मैंने बोला कि नहीं, सबसे पहले तो मुझे उसकी फ़ोटो भेजो, तो इन्होंने मुझे फ़ोटो भेजी, मैंने चेक किया तो उसमें हमारा एड्रेस भी नहीं था, ना ही हमारे आसपास के हमारी सोसाइटी का या फिर हमारी बिल्डिंग के किसी का एड्रेस था। तो उसमें ये होता है कि चलो सोसाइटी का एड्रेस है या हमारी बिल्डिंग का एड्रेस है, तो गलती से वो डिलीवरी वाला पर्सन यहाँ दे गया या किसी और का ऑर्डर कहीं और दे गया, ऐसा हो गया। बट वो एड्रेस यहाँ से दूर का था कहीं का, तो मुझे डाउट हुआ, मैंने लगा कि नहीं ऐसे तो कैसे हो सकता है, या तो किसी ने ज़बरदस्ती रख दिया, किसी ने एक्स्ट्रा होगा यहीं पे रख दिया, उसे छोड़ दिया, तो वो ऐसा ठीक नहीं है लेना, या पता नहीं एक्स वाई जेड जो भी था वो। तो मैंने निष्ठा की माँ को बोला सबसे पहले उसको यहाँ से दूर रखो, किसी को दे दो, ठीक है, तो वो अपना कहीं पर उसको किसी को खिला देगा, जानवर को या किसी को भी या किसी नीडी को दे देगा। तो वही किया निष्ठा की माँ ने, फिर दे दिया। तो बताओ ऐसा ऐसा एक्सपीरियंस हो रहा है, कोई बर्गर्स रख के जा रहा है हमारे घर के बाहर, आपने फेंका नहीं अभी तक, ये फेंक तो दिया था, नहीं फटा रही पूरा गिरा देते हैं ना। तो वही मैंने निष्ठा को बोला, मैंने बोला आप उसको फेंक दो, दे दो किसी को, आपको बर्गर खाना है तो मैं आपके लिए ऑर्डर कर देता हूँ। तो वही किया फिर मैंने, निष्ठा के लिए ऑर्डर कर दिया बर्गर और अपना उसको आप रख दो। तो वही हम लोगों ने किया। तो ये एक बहुत ही न्यू एक्सपीरियंस था मेरे लिए, तो फर्स्ट टाइम आपके लिए भी ना, बहुत ही न्यू एक्सपीरियंस था ये, पता नहीं कौन रख गया ऐसा, पहली बार हुआ हमारे साथ किसी के पार्सल किसी के यहाँ रख दिया, कोई छोड़ के चला गया। तो बस गाइस अभी हम लोग यहाँ पे खेल रहे हैं, क्योंकि बच्चों के साथ खेल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे उनका उस रूम में हो रहा है, इनका बेड बन रहा है, तब तक इस रूम में अपना चिल करते हैं दोनों नीचे उतर के। और इनकी बेड रेल भी ना काफ़ी टाइम हो गया, बेड रेल्स को भी वैसे ज़्यादा टाइम तो हुआ नहीं, साल भर भी नहीं हुआ, बट ये आपको पता है मेगा मेगा खींच खींच के तो पूरा हिला हिला के पूरी बेड रेल इन्होंने तोड़ रखी है, उसका कपड़ा फाड़ रखा है, और उसकी जो वो रॉड है वो भी टेढ़ी हो रखी है सारी, एक की तो प्लास्टिक ही है, एक है वो लोहे की, बट मेन मोस्ट ऑफ द पोर्शन तो उसमें प्लास्टिक ही है, तो वो सब अंजर पंजर उसके अलग कर रखे हैं दोनों ने। वही मैं सोच रहा था आज ये गेट क्यों नहीं खोल रहे भाई साहब हमारे, हैं मिहिक हाउ आर यू, कम हियर, कम टू मी, कम, आप आओगे, आ जाओ, हाँ क्या हो गया निष्ठा, फिर आ गए आप, आ गए आप, ये क्या है डॉगी, डॉगी कैसे करता है, दीदी से पूछते थे जब निष्ठा गाइस छोटी थी, हम उससे पूछते थे डॉगी कैसे करता है, तो बोलती थी बहू बहू, काऊ कैसे करती है बुम्मा,
बुम्मा ऐसे करती है का कैट कैसे करती है म्याऊ ऐसे बोलते थे आप, ऐसे बोलते थे आप जब छोटे थे है ना, ये भी ऐसे बोलेंगे अभी। कैट कैसे करती है ऐसे करती है। गलती से तो नहीं रखा किसी ने, जान पूछ के रखा वो, उसने या तो जिसका वो ऑर्डर होगा ना उसने डिलीवरी उसने ऑर्डर कर दिया होगा कैंसिल, ठीक है। अब उसने ऑर्डर कैंसिल कर दिया लेकिन वो जो राइडर है वो तो लेके तो निकल गया ऑर्डर, तो वो आया होगा यहीं बिल्डिंग में कुछ और ऑर्डर डिलीवर करने या कुछ करने, वो यहाँ पे छोड़ गया है ना, ये हुआ होगा कि उसने सोचा कि कोई खा लेगा। कब? कल सही में कल की बात बता रहे हो? हाँ तो फिर वही छोड़ गया होगा फिर।